हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू वाई फाई क्लासेस। मैं हूं आपकी दीपा मैम, और आज मैं जो हमें ऑफ मिला था ट्रेनिंग से दिवाली हॉलीडेज, उससे मैं वापस जा रही हूं दिल्ली। और जैसे कि आप सबको पता था कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। आप लोग वीडियोस मांगते हैं, पर हमें 5 मिनट भी फ़ोन मुश्किल से चला पाते हैं हम लोग, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो काफ़ी कमेंट्स देखे थे कि ये वाला वीडियो चाहिए, वो वाला चाहिए, कट ऑफ चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए, ये सब वीडियोस मैंने मतलब कमेंट्स देखे थे। तो अभी मेरे पास फ़िलहाल थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना देती हूँ। तो सिंपल सी पहली बात है कट ऑफ वाली, ये है कि प्लीज़ कट ऑफ के पीछे मत भागिए, मेहनत करिए और इतने ज़्यादा मार्क्स लेके आइए कि आपको कट ऑफ की टेंशन ही ना हो। मेरे केस में ऐसा ही था, मैंने अपना बेस्ट दिया था प्री में, उसके बाद मेंस में भी मैंने अपना बेस्ट दिया कि मैं इतने मार्क्स लेके आऊँ कि मुझे कट ऑफ की टेंशन ही ना हो कि यार इसको बोलना पड़े कि यार तेरे कितने मार्क्स हैं, लोगों से पूछ रहे हैं तेरे कितने मार्क्स हैं, ये सब कट। तो यही मैं कह रही थी कि यहाँ वहाँ किसी से पूछना ना पड़े तेरे कितने मार्क्स हैं, क्या जा रहा है कट ऑफ, दुनिया भर की वीडियोस देख रहे हैं, अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों में आप बिल्कुल मत पड़िए, ठीक है। कट ऑफ की बात हो गई, अब दूसरी बात है किसी ने बोला था स्ट्रैटेजी बताइए, तो स्ट्रैटेजी का मैंने एक वीडियो शेयर किया है जो कि मैंने टीयर टू के लिए बताई थी। ओके, शॉर्ट में मैं अगर बताऊँ तो सिंपल सी बात ये है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। ओके, सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, तो इंग्लिश आप डेली पढ़िए, डेली पढ़ना पड़ेगा, वोकैबुलरी जो भी आप पढ़ सकते हैं डेली पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश। उसके बाद अगर हम देखें जीके, तो वो भी आपको डेली कवर करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आप 80-20 प्रिंसिपल लगाइए कि 20% ऐसा पढ़िए जिसमें 80% आता हो। जीके का फिर मैं यही बोलूँगी कि आपको 80-20 कॉन्सेप्ट लगाना है कि 20% सिलेबस ऐसा होता है जिसमें हमें 80% हेल्प मिलती है, ठीक है। तो जीके का इसी तरीके से कवर करना है। अब मैथ्स का रहा, तो मैथ्स में आपको जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उसको आप और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद दूसरे टॉपिक्स पे जाइए। अब मेरे केस में मैंने क्या किया था कि जो मुझे सबसे ख़राब लगता था सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक, तो वो मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया था। ऐसा नहीं है कि अब मैं उसके पीछे भी परेशान थी, क्योंकि मैंने देखा कि भाई मुझे मार्क्स लाना है, मुझे कट ऑफ क्लियर करना है और थोड़े अच्छे मार्क्स लाना है, लेकिन टॉप नहीं करना है कि अब बिल्कुल अपन 200 में से 198 ला रहे हैं या फिर अपन ऐसे नहीं करना है। तो स्ट्रैटेजी से चलिए, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। सारा कुछ करने के पीछे पड़ेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जीके हमारा हो गया, बच्चा कौन सा सब्जेक्ट, रीजनिंग। रीजनिंग का सिंपल है कि कोई भी वीडियो देख लीजिए ऑनलाइन। हाँ, तो हम वापस शुरू करते हैं। मैं कह रही थी कि रीजनिंग, जैसे कि अगर आपको टॉपिक नहीं आता है क्लॉक वाला, तो सिंपल सर्च कीजिए क्लॉक रीजनिंग फॉर SSC CGL या जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी न किसी का लेक्चर आ जाएगा और काफ़ी सारे लोगों ने कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, तो किसी एक का भी आप देख सकते हैं, ऐसा मतलब किसी का भी देख लो। मैंने ऐसे ही तरीके से रीजनिंग कंप्लीट की थी, ना मैंने कोई बुक ली ना कुछ किया, उन्हीं के प्रैक्टिस करे क्वेश्चंस जो उन्होंने बताए हैं, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो आप लगाते हो, या वहाँ टेस्ट बुक की सीरीज़ आपको ले लेनी है, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो रीजनिंग भी हो जाएगी, आप सब हो जाएगा। आप एक बार जब करने बैठोगे ना, तो आपकी स्ट्रैटेजी खुद ब खुद बनने लगेगी कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। और मॉक ज़रूर लगाइए, ठीक है। मैंने बहुत कम मॉक्स लगाए हैं, मैंने टीयर 1 के अप्रॉक्स 3 से 4 मॉक लगाए होंगे, टीयर 2 के भी 3 से 4 लगाए होंगे, लेकिन सबको ऐसा नहीं करना है। वो मैं इसलिए करती थी कि क्योंकि मुझे अपनी एक्यूरेसी, मुझे देखना था कि मैं टाइम पे कर पा रही हूँ कि नहीं पेपर, है ना। लेकिन आप लोग को एक्यूरेसी अच्छी रखनी है, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी उस टाइम पे ऐसी थी कि मैंने टीयर 1 में 140 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 130 सही थे। तो वही मैं कह रही हूँ कि आपको क्या करना है, टेस्ट बुक की सीरीज़ लगानी है, और प्रैक्टिस के लिए आपको सीरीज़ ज़रूर लगानी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आपकी एक्यूरेसी पता नहीं चलेगी, टाइम पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये हो गया, और बाकी डेली पढ़िए, एक भी दिन ब्रेक मत करिए। इवन मैंने अपने बर्थडे के दिन भी 8 घंटे पढ़ा था, ठीक है। तो कोई भी दिन आपको नहीं छोड़ना है, गांधी जयंती हो, कुछ भी हो, हॉलीडे हो, और अगर ज़्यादा से अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, बाकी आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई रीज़न नहीं, ठीक है। पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है, बाकी और मैं क्या बताऊँ आपको। एक काम करिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखा करिए, ठीक है। उससे क्या होता है, जैसे मैं अपने दिन की स्टार्ट कैसे करती थी कि पहले मैं मेडिटेशन करती थी, उसके बाद एक मोटिवेशनल वीडियो देखा करती थी, ठीक है। तो आप वैसा कर सकते हैं ताकि आप दिन भर थोड़ा सा अच्छा फील करें। बाकी ऐसा है कि करनी तो है ट्रेनिंग, तो खुशी खुशी करेंगे। और अगर आपको मतलब आपके पास अगर कोई और चॉइस है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जॉब कोई ख़राब है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है यूनिफॉर्म पहन के, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। और अगर आप CGL के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अब आप सोचते हैं कि ट्रेनिंग में जाके मैं कुछ और पढ़ूंगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये मैं क्लियर बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि पढ़ाई बंद हो रही है, पर यहाँ पर हमें और पढ़ना है। यहाँ पर आपके 16 सब्जेक्ट्स हैं जिनके एग्ज़ाम हमें देने हैं, तो और ज़्यादा पढ़ना है, तो ऐसे में सोचना कि हमारी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है।
उसके अलावा आई थिंक कुछ भी नहीं बाकी रह गया है, वीडियो लंबा हो गया है, तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। और ख्याल रखिएगा अपना, अच्छे से पढ़ाई करिए, वाईफाई क्लास को हमेशा सपोर्ट करिए जैसे करते हैं। जय हिंद।